हाय एवरीवन यार, आप में से कोई लोग शायद एक्सरसाइज करते होंगे, जिम जाते होंगे, या फिर आपने और लोगों को सुना होगा कि वो जिम जाते हैं। तो मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। बस उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब हम जिम में जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि आप पहले दिन जाते हैं और पहले दिन ही आप एकदम बॉडी बिल्डर टाइप बन जाते हैं, या फिर पहले दिन जाने से आपको कोई बहुत इम्पैक्ट दिखता है अपनी बॉडी में, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत फिट हो गए, है ना। ऐसा एक दिन में तो नहीं आता, ऐसा शायद 2 दिन में भी नहीं आता हो, ऐसा शायद 1 महीने बाद भी नहीं आता होगा। मतलब पर आप जब रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली जिम जाते हैं, रेगुलरली अपनी बॉडी के लिए काम करते हैं, है ना, उस पर वर्क करते हैं, उसको हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, ये सारे फैक्टर्स जब होते हैं तो इन दी एंड आपको कुछ समय के बाद, लेट से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, आपको एक विजिबल चेंज आनी दिख जाती है। और जब आपको वो विजिबल चेंज दिखती है तब आप और अपने एफर्ट को बढ़ा देते हैं और तब आप और दुगनी मेहनत के साथ अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाते हैं, राइट। जेई प्रेपरेशन में भी ऐसा ही कुछ है। देखो, हम पहले दिन स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ता पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा टेस्ट होता है और हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्केड्यूल हमारा जो है वो बहुत पहले ही हेक्टिक चल रहा है यार। एक तो इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, ऊपर से टेस्ट जो है हमारा उसको पढ़ने के लिए हमें टाइम मिला ही नहीं। बिकॉज लेट से हमारा बहुत सारे बच्चे, उनका स्कूल भी रहता है तो उनका तो और हेक्टिक स्केड्यूल है, ठीक है। कईयों का बैकलॉग चल रहा है, कोई बीच में बीमार पड़ गया था, किसी कारण नहीं पढ़ पाया, तो उसका और एक स्केड्यूल इज वेरी वेरी टाइट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सम स्लॉट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लेट से आप कहें कि मैं 15 घंटे टेस्ट की प्रेपरेशन को देख पाऊंगा, लेट से ओवर अ पीरियड ऑफ 4 डेज 5 डेज, तो वो पॉसिबल ही नहीं। वैसा करने के लिए हमें करंट सिलेबस को रोकना पड़ता है, जो कि एडवाइजेबल नहीं रहता। आप टेस्ट देने के लिए ऑन गोइंग सिलेबस को तो नहीं रोक सकते, राइट, बिकॉज फिर उसमें आपका बैकलॉग हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, 7 दिन 10 दिन 2 हफ्ते, और हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इमीजिएटली जो भी हमारा टेस्ट होगा उसमें हमारे बहुत हाई नंबर आ जाएं, बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। हर एक की एक्सपेक्टेशन अपनी एफर्ट से ज़्यादा होती है और जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आता है वो एक्सपेक्टेशन हमारी मीट नहीं हो पाती। 90% 95% तो केसेस में वो एक्सपेक्टेशन कभी भी मीट नहीं हो पाती। हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया होता है, हमारा रिजल्ट कुछ और आ जाता है एंड फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि अगर हम कंसिस्टेंटली वही एफर्ट को करते, लेट से हमारे एग्जाम में 300 दिन है, ठीक है, लेट सपोज, और आप हर रोज 10 घंटे की सिटिंग निकालते हैं, क्लास को मिला के, होमवर्क, सेल्फ स्टडी मिला के 10 आवर्स, तो इट इज इक्वल टू 3000 आवर्स। लेट से 200 दिन बचे तब भी आपके पास 2000 घंटे, आपके पास 600 दिन बचे 6000 घंटे, तो आपके पास सफिशेंट टाइम रहता है। प्रॉब्लम सारी किस चीज की है, वो कौन सी एक चीज है जो आपको IIT JEE के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। कंसिस्टेंट इज द की वर्ड, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एफर्ट में कंसिस्टेंट नहीं होंगे और कुछ ही दिन एफर्ट लगाएंगे और फिर आप छोड़ देंगे, तो आप उतने अपने गोल में बढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं निकल पाएंगे। मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सी, मेरी खुद की। अभी ये हमारा चैनल है, इस पर मैं कंसिस्टेंट नहीं, आई डोंट कंसिस्टेंटली वर्क ऑन डेवलपिंग द कंटेंट हियर, राइट। इसीलिए चैनल कोई उतना ग्रो नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन वो उतनी ऑडियंस को रीच नहीं कर पाती। वट इज द फैक्टर दैट इज लैकिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी। वो मेरा प्राइम गोल नहीं है, मेरा प्राइम गोल टीचिंग है, इसलिए मैं इस पर वर्क नहीं कर रहा। लेकिन आपका प्राइम गोल जो है, वो आपका प्राइम गोल क्या है, IIT JEE को क्रैक करना, तो आपको तो उस पर वर्क करना चाहिए ना। मैं अपनी टीचिंग पे वर्क करता हूँ, आप अनअकैडमी पे जाके देखिए, आपको रैंक लिस्ट में सबसे ऊपर नाम दिखेगा, सब बच्चे पढ़ते, बहुत सारे बच्चे पढ़ते, तो वहां पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो मेरी कंसिस्टेंसी है। मैं कंसिस्टेंटली टाइम पे आता हूँ, कोर्स को कंसिस्टेंटली टाइम पे खत्म करता हूँ, तो वहां पे कंसिस्टेंसी एक पॉजिटिव वाली है। ये वाले यहाँ पे चैनल पे मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ तो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप देखिए चैनल भी उतना ग्रो नहीं है। वहां पे मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, दे आर मोर देन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हियर, राइट। सो बेसिकली ये चैनल तो बहुत पुराना है, 2011 2012 में इसको स्टार्ट किया था मैंने, तो ये तो बहुत पुराना है, जबकि वहां पे तो अभी 5 साढ़े 5 6 साल होने वाले। वैसे
तो आप देखिए, जब आप कंसिस्टेंट वर्क करते हैं तो धीरे 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 आपका अपने गोल के प्रति जो है अचीवमेंट जो है वो हो जाती है। तो इसलिए मेरी बस आपसे एक सिंपल एडवाइस है, आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। कम से कम 4 महीने मैं कहता हूँ उसको फॉलो करिए, 4 महीने रफली 100 डेज फॉलो कर लीजिए, है ना, 3 से थोड़ा सा ऊपर। जब आप 100 डेज किसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, किसी प्लान को फॉलो कर लेंगे, तो आपको एक विजिबल चेंज दिखेगा। और जब आपको विजिबल चेंज दिखेगा ना, तब आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहोगे सर हमें तो पता ही है कि अगर मैं अगले इतने दिन ऐसा काम करूंगा तो मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट बन जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। बस इस वीडियो के माध्यम से यही छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ अनअकैडमी पर पढ़ने वाले हैं, उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से आज से शुरू होकर 27 जुलाई तक का 25% ऑफ का सब्सक्रिप्शन पे ऑफर है, ठीक है, 25% फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है। जैसे 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको 35,999 में, और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 50,699 में मिल रही है। आप ये ऐप पे जाके देख सकते हैं, और कैटेगरीज में भी आपको डिस्काउंट दिखेगा 25% का। तो ये जो है वो 27 जुलाई तक है। इसके अलावा मेरे कई सारे बैचेस हैं जो आ रहे हैं, जैसे कि अभी 29 जुलाई से मेरा JEE 2025 का एक बैच है, 4 अगस्त से मेरा JEE 2025 का बैच है, उसके पहले जुलाई में एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड का बैच है वो आ रहा है, वो क्लास 12 के लिए ड्रॉपर का बैच, उसमें आज हमने कैलकुलस स्टार्ट करा है। तो हर ईयर के एस्पिरेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत अनअकैडमी पे मेरे साथ और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं। मैं डेली वहाँ पे फ्री क्लासेस भी लेता हूँ, जिसमें मैं कभी थ्योरी रिवाइज कराता हूँ, कभी क्वेश्चंस कराता हूँ, कभी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ्स के भी सेशन हुए हैं, अलग अलग तरह के सेशंस जो हैं वहाँ पे होते रहते हैं, स्ट्रेटजी के भी सेशन होते हैं, आस्क मी एनीथिंग के भी सेशन होते हैं। तो वो सारे सेशंस जो हैं वो फ्री हैं और आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल से उनको देख सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये ऑफर का अवेल कर सकते हैं, कोड मैंने दे रखा है उसको यूज़ करिए और इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, 25% ऑफ आपके जो भी प्राइजेस हैं उस पर आपको मिल जाएगा। और कोई भी आपकी JEE रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो जैसे मैंने पहले कहा डेली मॉर्निंग में स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप आइए उनमें हमारे साथ इंटरेक्ट करिए और अपनी उन क्वेरीज को रिजॉल्व करा के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से एकदम फुल फ्लेज वे में शुरू करिए और उसको एक अंजाम तक पहुंचाइए, एक अच्छा रिजल्ट लेके आइए। JEE 2024 के लिए समय थोड़ा कम होता जा रहा है, बट अभी भी सफिशेंट टाइम है क्रैक करने के लिए। तो शुरू कर दीजिए हमारे साथ पढ़ना, बहुत जल्द आपको मिलूंगा मैं अगली फ्री स्पेशल क्लास में, तो वहाँ पर मेरे को फॉलो करिए और ज़रूर उस क्लास में मेरे साथ जुड़िए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।